सवेले धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो उस लाला दौलत राय ने जो जवाब दिया साथ संगत जी, कमाल का, कहने लगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दो शख्सियतें हैं, दो। एक तो जो सिख जगत उन्हें भगवान मानता है, निरंकार मानता है। लाला दौलत राय कहने लगा मुझे नहीं पता वो भगवान थे कि नहीं, ध्यान देना साथ संगत जी। कहने लगा मुझे नहीं पता उनके अंदर की अवस्था, अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शरीर में बाहर की अवस्था से जो कुछ किया इसकी मिसाल सारे इतिहास में नहीं मिलती। ध्यान से बोलिए धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो शरीर करके भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर गए उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती साथ संगत, नहीं मिलती। और लाला दौलत राय ने वहां पर पांच पॉइंट रखे, पांच पॉइंट जो दास यहां पर लिख कर लाया है कि कोई छूट ना जाए। लाला दौलत राय कहने लगा गुरु गोविंद सिंह जी जैसा पुत्र कोई नहीं हुआ, पुत्र होते हुए अपने पिता से कह दे कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए जाकर कुर्बानी दे दो, ऐसा कोई पुत्र नहीं हुआ जिसने अपने पिता का बलिदान दिया हो। और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पिता बने तो ऐसा पिता कोई नहीं हुआ जिसने अपने चारों पुत्रों को कुर्बान कर दिया हो, वह भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। जकारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का गुरुपुरब है, जकारा हो तो ऐसा कि पूरा उल्लासनगर गूंज उठे, जोर से बुलाइए।